welcome to Women's Talk. I hope you all are doing really good. Friends, आज मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूँ एक बहुत ही interesting सा topic, बच्चों से related है obviously. मैं share कर रही हूँ आप लोगों के साथ diet chart. हम क्या होते हैं जब बड़े होते हैं तो हमको पता है कि हमको भूख लग रही है, हमको कुछ खाना है, हमको snacks खाना है, you know. मतलब हमको पता चलता है, बट जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चलता. उनको हमको हर चीज़ खुद से देनी होती है. बीइंग अ पेरेंट्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी जो डाइट है वो बहुत प्रॉपर हो, उसको हर चीज़ मिले, उसको फाइबर मिले, उसको प्रोटीन मिले, उसको कार्ब मिले, यू नो, ईच एंड एवरी डेयरी प्रोडक्ट्स उसको मिले. तो ये सब हमारी जिम्मेवारी होती है, हमारी ड्यूटी होती है, हमको उसको देना होता है. बच्चे को आदत कैसे पड़ेगी जब आप वो चीज़ उसके रूटीन में लेकर के आएंगे. तो अगर आप उसको शुरू से आदत डालेंगे, हम चार्ट इसीलिए बनाते हैं, हमने देखा होगा हम पढ़ते हैं तो हम उसका चार्ट बनाते हैं. स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है उसको फॉलो करना, बट जैसे 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 आप करते रहते हैं तो आपको आदत हो जाती है और वो हैबिचुअल हो जाते हो, आपको पता है कि करना है, यू नो, वो रूटीन में हो जाता है. तो वेदर इट्स हिस्ट्री, डाइट, कुछ भी हो, हमको अगर हम उसको प्लानिंग करके चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बेनिफिशियल होती है. तो आज मैं जो फर्स्ट जो मेरी सीरीज है, मैं डाइट चार्ट लाइक मेरे न्यू चैनल पर वो आते रहेंगे. तो जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया है, इट्स फॉर 6 months to 1 year. 6 months जब एक बेबी खाना स्टार्ट करता है, 1 year तक वो बहुत ध्यान रखना होता है कि उसे हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितना देना है, वो सारी चीज़ें. तो आज के इस वीडियो में मैंने 3 topic डिस्कस किए हैं. पहला कि बच्चा जो है वो क्या क्या खा सकता है, दूसरा उसका टाइम टेबल कि किस तरह से देना है, और तीसरा कुछ रेसिपीज जो हम बच्चों को दे सकते हैं. मैंने इसमें पोर्शंस मेंशन नहीं किए हैं अभी कि कितना देना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि बच्चा जब तक वो खा रहा है हमें उसे तब तक खिलाना चाहिए. उसके साथ साथ होता है कि जो बच्चे का जो टमी होता है, वो बोलते हैं जो हमारा हाथ होता है उसका जो ये जो पोर्शन होता है, पाम जो होता है, सिर्फ इतना बड़ा टमी होता है, बहुत जल्दी भरता है, बहुत जल्दी खाली होता है बच्चों का पेट. तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि उन्हें टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े गैप के बाद उनको हमने कुछ देना है और थोड़ा थोड़ा पोर्शन देना है, जिससे वो डाइजेस्ट भी कर पाएँ और यू नो नेक्स्ट खाना खाने के लिए रेडी भी हो पाए. तो आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए जो मैंने सीखा है मेरी इस जर्नी में. मेरी बच्चे भी 3 years की होने वाली है. जब आप उसको हैवी दे रहे हैं खाना, एक बार कभी आप लाइट दे रहे हैं, तो दोनों खाने को कंपेयर ना करें कि अगर आपका लाइट खाना बच्चा अगर समझ लें कि एक बाउल खा रहा है तो जो हैवी है वो 1/4 ही खाएगा, हाफ भी नहीं खाएगा. ये मेरा एक्सपीरियंस है. मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो मुझे आप करेक्ट करना. बट जो मैंने देखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड यस, तो बस यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में. आप एंड तक बने रहें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि क्योंकि अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा कि क्या है. तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बट आपको स्टेज वाइज मैंने उसमें बताया है. आई होप आपको यूजफुल होगा वो. एंड ये 6 months to 1 year के लिए है, किस तरह से बच्चे को यू नो कब क्या क्या देना है, तो वही है. और यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप में जिसको भी यूजफुल हो ये वीडियो. एंड हिट जरूर कर दीजिएगा लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगता है तो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, रियली मीन्स अ लॉट. एंड यस, बस आगे मेरा वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड.